हाय एवरीबॉडी, हाय हाय अश्वनी, नमस्ते एवरीबॉडी, थैंक यू किताब खाना, मानसी, आईएनसी, अश्वनी, प्रोफेसर अश्वनी कुमार एंड ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड अस ऑन दिस फोरम. इट्स रियली यूनिक एक्सपीरियंस. आई एम स्लाइटली नर्वस ऑल्सो बिकॉज आई हैव नेवर डन दिस अर्लियर बिफोर. एंड मैं आप सबको धन्यवाद जो पहले हमारे कवि शरीक हो चुके हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, और जो हमारे बाद और भी आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि सब आने वाले हैं, उनको शुभकामना देता हूँ. और मैं तीन हिंदी की कविताएं अपनी सुनाना चाहूँगा. एक कोरोना से ही जुड़ी हुई है, इस दौरान ही लिखी है, एक अंग्रेज़ी की कविता और एक गज़ल तरन्नुम में गाकर सुनाऊँगा. ये विशेष रूप से अनुरोध था हमारे दोस्त अश्वनी का भी कि आई हैव टू सिंग समथिंग. सो हियर आई बिगिन विथ ड्यू अपॉलोजीज इफ आई गो एनीवेयर रॉन्ग. कवि हूँ, व्याकरण का उतना ध्यान कभी कभी नहीं रहता, भाव का रहता है. तो मेरी पहली कविता है, कोरोना को दिखाए दिया. हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, दिए वे जलाए थे, अच्छी बात है. विरोध हम जताएंगे पर साथ भी निभाएंगे. तो ये कविता है, सुनो सुनो, एकांत ने शोर का गरेबा पकड़ लिया है. हवा उसके तन पर जमा गर्द झाड़ रही है, और कल तक सड़क के कोने से चिपका मरियल खौराया कुत्ता बीच सड़क पर अंगड़ाई ले रहा है. उसके दिखते ही उसे दौड़ा लेने वाले कुत्ते बागों में कबड्डी खेल रहे हैं. खलील चिक की दुकान पर, खलील चिक की मांस की दुकान के बाहर कई दिनों से बकरे का एक सर रखा है जिसकी आंखें खुली हैं और ऐसे चमक रही हैं जैसे दुकान की बंद पाटों के नीचे से सर निकालकर बाहर की दुनिया को मुआयना करता वह बैठा हो. एक दिया इस भ्रांति के नाम भी. सुना है भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या उन लोगों की मृत्यु के बराबर हो गई है जो इससे डरकर भूख और बेकारी अपनी पीठ पर बांधे अपने गांवों की तरफ भागे थे. पता नहीं किस चीज से हलाक हुए. कोरोना से मरने की ख्याति उन्हें नसीब नहीं हुई. एक दिया उनकी आत्मा की शांति के नाम भी. एक दिया उनकी आत्मा की शांति के नाम भी. यह थी मेरी पहली कविता कोरोना पर जो आपको सुनानी थी मुझे. दोस्तों, मैं कविता में सच पूछे तो बातचीत करता हूँ. मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, समनाइज नहीं करता. बड़े छोटे छोटे हम लोग के अगर शायद ओपिनियन हो तो हो, उनमें से एक आप सबके नज़र करना चाहता हूँ. कविता का शीर्षक है, जवाब मत देना. जवाब मत देना राजनीतिक कविता नहीं है, बिल्कुल ही साहित्यिक है. तुमसे अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब मत देना. जवाबों के कई पहलू निकल आते हैं आजकल. क्या पता तुम्हारे विचार किसी पड़ोसी से मेल खा जाएं, जिसे लोग सनकी कहते हैं. यह भी कहते हैं लोग कि वह दिन भर सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, रातों को जुलूस में जाता है, और जब जुलूस थक कर लौट जाते हैं तब भी वह वहीं बैठा एक और जुलूस की अपेक्षा करता है. वह अखबार नहीं पढ़ता, अखबारों को बेचकर झाल मुढ़ी खाता है. बंगाल का झाल मुढ़ी बहुत फेमस है. वह अखबार नहीं पढ़ता, अखबारों को बेचकर झाल मुढ़ी खाता है. जुलूसों से इस झाल मुढ़ी का पुराना एक नाता है, फिर भी उसे लोग संस्कारहीन कहते हैं. वह परंपराओं को नहीं मानता, उसकी आंखों में अक्सर लग जाता है धुआं नालंदा की जलती किताबों का, उनके साथ जली बुनियादों का. यह भी हो सकता है कि तुम्हारा जवाब किसी ऐसे से मेल खा जाए जिसे लोग देशभक्त कहते हैं. फिर तो खैर नहीं तुम्हारी. तुम्हें बताना पड़ेगा वह सब कारण जिसने बाबरी मस्जिद तोड़े, जिसकी चपेट में गांधी क्या और क्या अंबेडकर, रख दिया जिसने सबको भेद कर. एक और भी है जिससे तुम्हारे विचार मेल खा सकते हैं,
लेकिन वह अपाहिज है, उसे कोई किसी में नहीं गिनता। वह रेत पर सपने बुनता है और हवा से उसके नक्श गढ़ता है। वह रेत पर सपने बनाता है और हवा से उसके नक्श गढ़ता है। वह खुश है लेकिन उसकी खुशी की कोई वजह नहीं दिखती। वह केवल बामियन में टूटी बुद्ध की मूर्तियों पर रोता है। वह केवल बामियन में टूटी बुद्ध की मूर्तियों पर रोता है। एक और सूरत भी हो सकती है, तुम्हें शायद अपना जवाब वापस लेना पड़े। एक और सूरत हो सकती है, तुम्हें शायद अपना जवाब वापस लेना पड़े तो ले लेना, क्योंकि उसे ही लोग सभ्य व्यवहार कहते हैं, विचार रहित भावों का यथोचित संचार कहते हैं, विचार रहित भावों का यथोचित संचार कहते हैं। यह थी दोस्तों मेरी दूसरी कविता। ये एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी, कुछ शायद मिनट भर की भी ना हो, आधी मिनट की हो। ये मेरी संकलन आस के आभास से है। ये जंगल है, शीर्षक है कविता का, ये जंगल है। आपस में लिपटे लता तरु जड़ें वल्लरियां, समन्वय की अनगिनत लड़ियां। आपस में लिपटे तरु लता जड़ें वल्लरियां, समन्वय की अनगिनत लड़ियां। धूप हवा छांव, टूटे टेढ़े खड़े जैसे भी हो पाओ, सब में निर्झर सी बहती साझेदारी। ये सभ्यता का नगर नहीं है, ये जंगल है, यहाँ सब कुशल मंगल है। ये सभ्यता का नगर नहीं है, ये जंगल है, यहाँ सब कुशल मंगल है। ये हमारी छोटी कविता थी। मैं बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ, अभी इस अवसाद के समय में अपना अपनी भावना पर कभी कुछ होश नहीं रहता, पता नहीं कब अतिक्रमण हो जाए। यह कविता अंग्रेजी की कविता है, जिसे हम आप इससे जोड़ना चाहें, पूरे देश के हालात से जोड़ना चाहें, जैसे भी जोड़ना चाहें। इट सेज होप अमिड्स इम्पेंडिंग ग्लूम, होप अमिड्स इम्पेंडिंग ग्लूम। सडनली आई सी People looking like sawdust have turned into deadly weapons, and anthills are filled with slithering earthworms. Suddenly I see people like sawdust have turned into deadly weapons, and anthills are filled with slithering earthworms. Cattle have chased the gods away from their sanctum sanctorums, and gods, like formless, invisible soothsayers, are looking for ears that can hear. A fugitive moon peeks from a gaping hole of a vagabond cloud to reach its light. Pagans of development, hanging everywhere, dropping circles of doom around rivers full of creeping black crates, devouring the silver scales of fleeing fishes. With a swollen girth, a python of a horizon, breathing dust, warm and acrid, where night descends, dancing stupefied in the opaque light of hope. Corpses done away with their last rites, corpses done away with their last rites, bailed off in the ectomorph river of democracy to liberate its remnants. The river keeps flowing. The river keeps flowing with reflections of wrinkled dreams, hopes hemmed in its ringed seam, that the moon would reach to its yearning lover, cattle to their pegs, gods to their sanctum sanctorums, and fishes, avoiding the crate's jaw in its natural stream, where water is just needy. Where water is just knee-deep enough to resuscitate a civilization. Enough to resuscitate a civilization. Thank you very much. I hope you liked it. And समय भी शायद मेरा होने को है। ये अंतिम मेरी प्रस्तुति आप सब के सामने,
गीत के रूप में, तरन्नुम में, ताकि इसके भाव को और इसके अंदर की का जो जज्बा है वो लेकर हम आगे बढ़ें जीत की तरफ। हमेशा आशा छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज द ओनली ऑप्शन, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एट ऑल। हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज़े उल्फत का, कि जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं, कि जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं। हर तकरीर में कहते हैं आओ साथ तो आओ, मगर जो साथ ना भाए तो उसको मार देते हैं, मगर जो साथ ना भाए तो उसको मार देते हैं। बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल, बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल, सुना है आदमी को आदमी ही मार देते हैं, सुना है आदमी को आदमी ही मार देते हैं। और अंतिम शेर है मक्ता, जरा देखो तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, जरा देखो तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, खुदा के नाम पर भाई ये लाखों मार देते हैं, खुदा के नाम पर भाई ये लाखों मार देते हैं, हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं। धन्यवाद। ये गज़ल मेरी पूरी हुई, बीच में व्यवधान आया था। मेरा ख्याल है आप लोगों ने पूरा गज़ल आप सुन पाए होंगे। इसके साथ ही मेरा ख्याल है आई एम डन विथ व्हाट आई वांटेड टू प्रेजेंट। आई वुड सीक हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ द होस्ट if I can say bye to all of you with this presentation of mine, these poems. Stay safe, stay home, and remain creative, remain optimistic. मैंने बार बार मैं यही कहूँगा, आशा, we default mode of universe is darkness, we create light, and that's what hope is. We all poets are here to invoke that, the goddess of hope, or the god of the hope. Okay, thank you very much everybody. Bhojpuri ki kisi ek dost ne ya farmaish ki hai, Bhojpuri bade samajhne wale kam honge, mera khayal hai Bhojpuri hum baad mein acha agar izazat ho to main Bhojpuri ka do line suna du. Ye hamare kitab Ganga Ratan Videshi कि भोजपुरी उपन्यास जो ओरिजिनल था उसमें एक चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा गीत है, हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील की खेती से नील भइल खेतिया। हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया, हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया, सुनाए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया, सुनाए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया।
अब त बुझाता नहीं तीसी फुलाई, अब त बुझाता नहीं तीसी फुलाई, बांझ भइल खेतन में अब का रोपाई, नीलहा सब लूट ले ले रे, नीलहा सब लूट ले ले, छिपा और थरिया नील भइल खेतिया, सुनए लोगिन नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया, हरियार धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया, सुनए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। एक अंश था उस गीत का, ये नील सत्याग्रह, नील के किसानों की जो दुर्गति थी चंपारण में, उस समय की दुख, उस समय का दुख और अवसाद और समय की पीड़ा गाई गई है इस गीत में। गीत हमने लिखी है, कंपोज भी हम लोगों ने किया है, और इसका एक ऑडियो बुक के शक्ल में ये सब आने वाला भी है। फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मानसी ऑफ किताब खाना, अश्वनी एंड होड्स ऑफ ऑल पोएट्स, जिनको मैं सुनता रहा हूँ लगातार और आगे भी सुनूंगा, जो मुझ में भी आस जगाते हैं और आप सब में भी। हम सब ऐसे ही आसावान बने रहें और आगे बढ़ते चले, जीवन का संचार हो, भाव की उष्मा कम न हो। नमस्कार, धन्यवाद।